गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस सबसे पहले आज कैमरा से हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैमरा में थोड़ा हो गया एसडी कार्ड का इशू। सो गाइस मेरे फ़ोन से शूट कर रहे हैं अभी। सो थोड़ा बहुत ऑडियो इधर उधर हो सकता है, मुझे भी आइडिया नहीं, फ़ोन से कभी अपलोड किया नहीं था अब तक शूट करके। सो गाइस अभी आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। सो गाइस आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं पल्सर NS 200 पे, झंपा के पल्सर NS 200 पे, जहाँ पे मैं आपको आज हम दोनों आपको पूरा स्पेसिफिकेशंस बता देंगे कि हम लोग ने क्या क्या टोटल इसने अपग्रेड किया इसके मोटरसाइकिल में और सारे जो चेंजेस और टोटल कितना खर्चा हुआ उसको, ये सारा चीज़ करने में। सो वो सारा चीज़ मैं आपको आज डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहला अपडेट जो हम लोग ने किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो ये USD फोक्स है। तो सबसे पहला जो मेन अपडेट है ये है USD फोक्स का। इससे क्या होगा, इससे आपका स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है, उसके बाद जो वेट है गाड़ी का वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब ये वाला USD फोक्स थोड़ा बड़ा है, इसके लिए एक्चुअली थोड़ा सा वेट बढ़ चुका है, बट स्विंग आर्म अगर KTM का डाल दिया मैंने तो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो डिस्क KTM का है, उसके बाद आगे का पूरा फ्रंट पार्ट जो है ना KTM का ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिपर सब KTM का है, स्टील ब्रेडेड लाइन से KTM के। तो इससे क्या होता है गाइस, ब्रेकिंग भी इंक्रीज हो गया, हमारा स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो गया और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। 140 के स्पीड्स में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 140 में चला रहे, एकदम स्टेबल रहता है क्योंकि इसके सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है और मडगार्ड जो है सब KTM का लगा है। उसके बाद आते हैं हम लोग हेड पे। तो हेडलाइट जो है इसका ड्यूक 250 का, ड्यूक का हेडलाइट लेने का ये रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें आपको DRS भी मिल जाते हैं, एकदम कूल लुकिंग, और अंदर मैं अपने हिसाब से LED लगा सकता हूँ। तो LED मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा वाला पावर वाला लगाया, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा जगह खाली है, तो यहाँ पे मैं बाद में स्पीडोमीटर लगा दूंगा जिससे पैक हो जाएगा। अभी तक स्पीडोमीटर लगाने का प्लान नहीं है, शायद मैं अच्छा वाला लगाऊँ या फिर NS का ही लगाऊँ, लेट्स सी, वो टाइम बता देगा। उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो खर्चा हुआ है मुझे टोटल, वो एज इन हुआ है कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये तक का हेड वो मिला के, क्योंकि गाइस जिसमें मुझे व्हील खरीदना पड़ा, डिस्क खरीदना पड़ा, कैलिपर खरीदना पड़ा, मडगार्ड खरीदना पड़ा, फोक्स खरीदना पड़ा, फिर टी सेक्शन जो है यहाँ का वो सब खरीदना पड़ा। तो इसमें 18-20 हज़ार का आराम से खर्चा हो जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड पार्ट्स पे जाते हो तो 11 से 12 हज़ार होगा, बट मैंने सेकंड हैंड भी पार्ट्स लिए और इसमें न्यू पार्ट्स भी लिए, तो कम से कम मेरे को 18 तक हो चुका है खर्चा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हो परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे CDI। तो ये वाला जो CDI है ये गाइस 8 मैप वाला CDI है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 4 वाले मैप में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 4 वाला मैप सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें है 4, फिर 5, 6, 7 और 8, 8 मैप वाला CDI है। उसके बाद आप देख सकते हो 0 भी है। 0 में एक्चुअली क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये सब ऐसा एक एंटी थेफ्ट फीचर आप बोल सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 1st 4 में रख देता हूँ मैं। राइड करके देखो कौन सा मैप आपको ज़्यादा पसंद है, मैं 4 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो 4 में मैंने रखा हुआ है। और ये जो है इससे आपका गाड़ी का पावर इंक्रीज होता है। मतलब जैसे गाड़ी एक पिकअप देती है वो एक स्टाइल इंक्रीज होता है। उसके बाद आप देख सकते हो 12,500 RPM तक रेव करती है गाड़ी, जो नॉर्मल गाड़ी रहती है वो 10,500 RPM तक ही जाती है, ये वाली जो NS है वो 12,500 RPM तक जाती है। मैं अंदर दिखा नहीं सकता, बट इसमें हम लोग ने लगाया हुआ KNN का एयर फिल्टर। तो इसके अंदर जो एयर फिल्टर है वो KNN का है, एक्चुअली रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर मैंने लगाया हुआ है। रिप्लेसमेंट इसीलिए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आवाज़ भी नहीं चाहता, देखते बाद में मैं कोनिकल लगा दूंगा, बट फिलहाल के लिए मैंने रिप्लेसमेंट लगाया। लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, मतलब एयर फिल्टर चेंज करने की अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, जस्ट निकालो धो के वापस से रख दो, क्योंकि ये पेपर वाला नहीं आता, ये क्लॉथ का आता है स्टील मैश के साथ, जो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का रहता है। मतलब लाइफ टाइम मुझे एयर फिल्टर चेंज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये बेली जो है, ये बेली मैंने KTM ड्यूक 200 का लगाया। ये बेली मैंने बहुत टाइम पहले लगा दिया था, ये एक्चुअली इसमें बेली नहीं आता, ये 2013 मॉडल का NS है तो इसमें बेली नहीं आता, तो मैंने सोचा कि KTM का लगा के देखता हूँ। मैंने इसका लगाने वाला था बट बाद में थोड़ा प्लान चेंज हो गया, इसकी वजह से मैंने KTM का लगाया। अभी आपको सारा कुछ बता दिया है। सो अप्रॉक्स 30 से लेके 35,000 तक का खर्चा हो गया इसके मोटरसाइकिल में। सो एक मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, पर एकदम सारे अपग्रेड जो एकदम प्रॉपरली और एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा CDI जो मेरा पर्सनली सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और जो वीडियो में हम लोग ने डाला था वो भी काफ़ी अच्छा चला था यूट्यूब पे। सो एक और वीडियो हम लोग सोच रहे हैं कुछ अलग तरीके से CDI के रिगार्डिंग बनाना। सो गाइस टोटली इसके मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और ऐसी बाइक पूरे यहाँ पे मुंबई में हम लोग को कहीं और नहीं दिखती है। सो एकदम यूनिक हो जाती है, अगर ये मोटरसाइकिल कहीं और लेके जाते तो 10 लोग पूछते भी है कि भाई तूने ये चीज़ कैसे लगाई, वो चीज़ कैसे लगाई। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। जैसे कि आपने देखा मेरे NS 200 के पूरे अपग्रेड्स, अभी बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स करना बाकी है। अभी कैसा थोड़ा रिस्टोर करा था NS, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे उसमें। अभी जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में मेरे आपको देखने मिलेंगे कि NS को मैं और कैसे अपग्रेड कर रहा हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया मोटरसाइकिल लेके मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो सरप्राइज होने हो सकता है कि अचानक ऐसे भी हो सकता है कि नया मोटरसाइकिल ले ले झंपा, कुछ भी हो सकता है। अभी हो सकता है क्योंकि एक सोच भी रहे हम लोग एक मोटरसाइकिल के बारे में कि वो ले या फिर इसको और ज़्यादा अपग्रेड करें। एक दो मोटरसाइकिल हम लोग ने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जिसपे झंपा और अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर पाएगा। सो सी व्हाट हैपेंस, होप फॉर द बेस्ट, और देखते हैं जैसे कुछ कन्फर्मेशन आता है वैसे मैं आपको बता दूंगा।
सो दैट्स इट गाइस, ये था आज के इस वीडियो के लिए। एंड अब से अभी वापस मैं तो बोलना नहीं चाहूँगा कि हमेशा मैं बोल रहा हूँ, दो बार मैं बोल चुका हूँ कि रेगुलर रहूँगा और रेगुलर रह नहीं रहा हूँ। पर गाइस अभी से मेरी एग्जाम वगैरह खत्म हो चुके हैं, सो पक्का आपसे गाइस रेगुलर रहूँगा। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।